निम्नलिखित तलपट से 31 दिसंबर 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार तथा लाभ हानि खाता बनाइए। 31 दिसंबर 2010 का तलपट इस प्रकार है। क्रय परचेस 40,000, मजदूरी वेजेस 2,000, वेतन सैलरी 8,000, बीमा प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम 1,000, किराया व कर रेंट एंड टैक्सेस 1,000, भवन बिल्डिंग 18,000, फर्नीचर 5,000, टोटल 75,000, क्रेडिट कैपिटल पूंजी 15,000, विक्रय सेल्स 50,000, कमीशन 8,000, कटौती डिस्काउंट 2,000। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमको जो तलपट दिया गया है वो 31 दिसंबर 2010 के लिए है, और इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010, और एक साथ यहाँ पर हमको बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाएंगे तो इसमें से हम वो सारे आइटम चूज करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, जो ट्रेडिंग के आइटम रहेंगे उनको हमको ट्रेडिंग में लिख देना है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम रहेंगे उनको हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देना है। क्योंकि अगर अलग से हम ट्रेडिंग और फिर अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो किसी भी प्रकार से किसी पॉइंट के छूट जाने की का डर रहता है, तो हम एक साथ ही दोनों को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि परचेस दिया गया है क्रय 40,000, क्योंकि हमने देखा था प्रत्यक्ष व्यापार ये माल के निर्माण से रिलेटेड है, कच्चे माल का क्रय है, ऐसा मान के इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देते हैं। वेजेस यानी कि मजदूरी हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, और उसके बाद दिया गया है वेतन यानी कि सैलरी। अब हमने देखा था कि सैलरी जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो सैलरी को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानते हुए फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। इससे पहले हम एक अंदाजे से, हम क्योंकि देख रहे हैं कि कितने पॉइंट दिए गए हैं, और एक अंदाजे से हम ट्रेडिंग अकाउंट के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि बीमा प्रीमियम यानी कि इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम को हमको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों है हमारे पास, तो यहाँ पर हमको इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। रेंट एंड टैक्सेस भी अप्रत्यक्ष में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इसको भी हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखना है। उसके बाद हमारे पास है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग है और उसके बाद है फर्नीचर, ये दोनों ही हमारे लिए एसेट्स है, तो ना तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा और ना ही ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। अब हम आ जाते हैं ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में हम देख रहे हैं कि पूंजी है यहाँ पर, कैपिटल दी गई है, ये भी आएगा लाइबिलिटी में जो कि हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, तो यहाँ पर नहीं आएगा। विक्रय दिया गया है, सेल्स हमने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम सेल्स लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय सेल्स अकाउंट रुपीज 50,000। कमीशन दिया गया है 8,000, कमीशन क्योंकि क्रेडिट साइड में दिया गया है मतलब वो कमीशन रिसीव है, और ये मानते हुए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे। डिस्काउंट भी क्रेडिट में दिया गया है, तो इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट इनकम है ये सब, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे। और अब हम इस अकाउंट को बंद कर देंगे, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसका क्रेडिट साइड का टोटल है 50,000 और डेबिट साइड का जो टोटल है वो है 42,000, तो 50,000 में 42,000 माइनस कर देंगे तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट 8,000, और इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 8,000, और टोटल हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो हो गया है 18,000 और डेबिट साइड का जो टोटल है वो हो गया है 10,000, तो 18,000 में हम 10,000 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 8,000, जिसको कि हम नेट प्रॉफिट मान लेंगे और इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 8,000, और 18,000 से हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। निम्नलिखित शेष से मैसर्स राम निवास एंड संस का 31 दिसंबर 2010 का समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाइए। प्रारंभिक स्कंद ओपनिंग स्टॉक 12,000, क्रय परचेस 15,000, क्रय पर भाड़ा कैरिज ऑन परचेस 600,
मजदूरी वेजेस 4000, ब्याज दिया इंटरेस्ट पेड 400, किराया वर्कर रेंट एंड टैक्सेस 300, यात्रा व ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 200, डाक व तार व पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंसेस 800, मरम्मत रिपेयर 200, बट्टा दिया डिस्काउंट अलाउड 300, विक्रय वापसी सेल्स रिटर्न 200, विक्रय सेल्स 40,000, कार्यालय व ऑफिस एक्सपेंसेस 600, बट्टा प्राप्त डिस्काउंट रिसीव 500, अंतिम स्कंध क्लोजिंग स्टॉक 4,800। इस क्वेश्चन में हमको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। हम हेडिंग डालेंगे मिसेस रामनिवास एंड सन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2010। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए लगभग हम मान लेते हैं कि इसमें से कुछ पॉइंट ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे और कुछ पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। हम इस पूरे अकाउंट को दो भागों में बांट देंगे। ऊपर के एक छोटे हिस्से को हम ट्रेडिंग अकाउंट के लिए रखेंगे और नीचे के हिस्से में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहला पॉइंट हमारा दिया गया है ओपनिंग स्टॉक 12,000। तो हमने देखा कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट का पॉइंट है। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 12,000। और उसके बाद सेकंड हम देख रहे हैं परचेस दिया गया है 15,000। तो परचेस क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हम लिखते हैं तो परचेस लिखेंगे हम 15,000। कैरेज ऑन परचेस परचेस का ही एक भाग है, उसी में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर हम उसको भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे कैरेज ऑन परचेस ₹600। वेजेस दिया गया है मजदूरी, ये प्रत्यक्ष व्यय है और इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं ₹4,000। इंटरेस्ट पेड दिया गया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, अप्रत्यक्ष व्यय है ये, इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 400। रेंट एंड टैक्सेस अप्रत्यक्ष व्यय है, इसलिए इसको हम 300 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। यात्रा व्यय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ये भी अप्रत्यक्ष व्यय है, इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 200। पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये भी अप्रत्यक्ष व्यय है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 800। रिपेयर अप्रत्यक्ष व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे ₹200। डिस्काउंट दिया गया है, यहाँ पर डिस्काउंट अलाउ बट्टा दिया, क्योंकि दिया गया है इसलिए एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको और इनडायरेक्ट है, इसलिए इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस है, स्पष्ट रूप से दिया गया है तो एक्सपेंसेस है और अप्रत्यक्ष है क्योंकि ऑफिस से रिलेटेड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। बट्टा प्राप्त डिस्काउंट रिसीव दिया गया है तो इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, लेकिन क्योंकि रिसीव है इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो 500 इसको हम क्रेडिट में लिख लेंगे और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक इसको हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सेल्स दिया गया है यहाँ पर 40,000, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिख लेंगे। और रिटर्न भी दिया गया है यहाँ पर, तो रिटर्न हम इसमें से माइनस कर देंगे 40,000 में से और आउटर कॉलम में हम 39,800 लिख देंगे। अब हम जब ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रेडिट साइड का जो टोटल है ट्रेडिंग अकाउंट का वो है 44,600 और इसमें से हमको माइनस कर देना है 12,000, 15,000, 4,600। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सारे अमाउंट इसमें से माइनस करने के बाद हमारा बैलेंस बचता है 13,000 का, यानी ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा हमारा 13,000। अब इस 13,000 के ग्रॉस प्रॉफिट को हमको ट्रांसफर कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट में हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाय ग्रॉस प्रॉफिट 13,000। टोटल हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट का, तो यहाँ पर 13,500 का टोटल आता है। इसमें से हम डेबिट साइड के पूरे अमाउंट को माइनस कर देंगे तो हमको बैलेंस मिलता है 10,700 का, जो कि नेट प्रॉफिट होगा हमारे लिए और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ हम लिखते हैं ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 10,700 और टोटल हो जाता है ये 13,500। निम्नलिखित शेष से मेसर्स वृद्धि चंद एंड सन्स का 31 दिसंबर 2010 का व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाइए। प्रारंभिक स्कंध
ओपनिंग स्टॉक ₹9,600, यात्रा व ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 500, मजदूरी वेजेस 3,200, मरम्मत रिपेयर 160, गाड़ी भाड़ा कैरेज 600, विक्रय पर बट्टा डिस्काउंट ऑन सेल 500, क्रय परचेस 12,000, विक्रय वापसी सेल्स रिटर्न 100, विनियोग पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 40 रुपीज, कार्यालय व ऑफिस एक्सपेंसेस 500, किराया व स्थानीय कर रेंट एंड टैक्सेस 200, आयकर इनकम टैक्स 50 रुपीज, अंतिम रहतिया क्लोजिंग स्टॉक 3,500, विक्रय सेल्स 25,000, क्रय पर बट्टा डिस्काउंट ऑन परचेस 400, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट 420। यहाँ पर हमको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है एक साथ, तो इसमें से कुछ पॉइंट ट्रेडिंग अकाउंट के हैं, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के हैं। कौन से पॉइंट्स को हमको ट्रेडिंग में डालना है, कौन से पॉइंट को हमको प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है, ये हमको देखना होगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से, ये हमको देखना होगा। तो यहाँ पर जो प्रत्यक्ष व्यय है उनको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते जाएंगे, और जो अप्रत्यक्ष व्यय है उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे 9,600। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे ₹500। वेजेस दिया गया है क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे 3,200। रिपेयर दिया गया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे 160। गाड़ी भाड़ा कैरेज दिया गया है, एक्सपेंस है, और ये जो होता है माल, हम ये मानेंगे कि कच्चे माल की खरीदी पर दिया गया है, तो इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हुए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे ₹600। विक्रय पर बट्टा डिस्काउंट ऑन सेल, बहुत ज्यादा इसमें हमको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डिस्काउंट ऑन सेल ये बस हमको ध्यान में रखना है कि जब हम कोई सामान सेल करेंगे बेचेंगे तो हमको डिस्काउंट देना पड़ेगा, यानी ये हमारे लिए एक प्रकार का अप्रत्यक्ष व्यय है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। उसके बाद दिया गया है क्रय यानी कि परचेस 12,000, तो इसको हमको क्योंकि क्रय है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, हमको ये कच्चे माल से रिलेटेड क्रय है, तो इसको हमको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखना है क्रय यानी कि परचेस ₹12,000। विक्रय वापसी सेल में से हम सेल्स रिटर्न माइनस कर देते हैं, तो फिलहाल हम इसको अभी इनर कॉलम में ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में माइनस सेल्स रिटर्न करके लिख देंगे, जब सेल का पॉइंट यहाँ पर आएगा तो फिर हम उसके ऊपर इसको लिख लेंगे। विनियोग पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 40 रुपीज, हम कोई विनियोग जब करते हैं, इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, तो इस पे हमको कोई ना कोई ब्याज प्राप्त होता है, इंटरेस्ट मिलता है हमको, तो इसको क्योंकि अप्रत्यक्ष आय है ये हमारे लिए, इनकम है हमारे लिए, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ऑफिस एक्सपेंसेस दिया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे 500। रेंट एंड टैक्सेस दिया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हम लिख देंगे। इनकम टैक्स दिया गया है, इनकम टैक्स हालांकि एक प्रकार का एक्सपेंस है लेकिन ये पर्सनल एक्सपेंसेस के अंतर्गत आ जाता है, स्वयं के ऊपर, स्वयं के इनकम पर टैक्स लगाया गया है ये मान के हम इसको यहाँ पर फिलहाल कहीं पे भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंतिम रहतिया क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, तो हमने वीडियो में भी देखा था, पहले भी हमने देखा कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया है तो वो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं, और एडजस्टमेंट में दिया गया है तो फिर हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में भी लिखते हैं, बैलेंस शीट के एसेट्स में भी लिखते हैं। और उसके बाद दिया गया है सेल्स, तो सेल्स हम क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो हमने सेल्स रिटर्न लिखा है उसके ऊपर हम लिखेंगे, और 25,000 इसमें से हम सेल्स रिटर्न जो हमने पहले से लिखा था 100 इसको हम माइनस करेंगे, तो 24,900 हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद हमको दिखाई दे रहा है डिस्काउंट ऑन परचेस, क्रय पर बट्टा, तो जब हम क्रय करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर बट्टा हमको मिलता है, रिसीव होता है, इसलिए हम इसको अप्रत्यक्ष आय मान के
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे डिस्काउंट ऑन परचेस, बाय डिस्काउंट ऑन परचेस ₹400। और लास्ट पॉइंट दिया गया है विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, तो ये क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इसलिए इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट ₹420। अब हम बैलेंस देखेंगे इसमें कि ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल हमको कितना मिल रहा है 28,400। इसमें से हम डेबिट साइड के जो बैलेंसेस हैं 9,600, 3,200, 12,000 और 600 इनको माइनस कर देंगे तो हमको बैलेंस मिलता है 3,000 जो कि हम ग्रॉस प्रॉफिट मान लेंगे। और यहाँ हम लिखेंगे डेबिट साइड में टू ग्रॉस प्रॉफिट और इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 3,000। और अब हम देख रहे हैं टोटल यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल है 3,440। इसमें से हम डेबिट साइड के टोटल को माइनस कर देंगे तो हमको यहाँ पर बैलेंस मिल जाएगा 1,160 जिसको कि हम नेट प्रॉफिट मान लेंगे और इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में और टोटल ये हमारा हो जाएगा 3,440। व्यापार एवं लाभ हानि खाते में अंतर। व्यापार खाता ट्रेडिंग अकाउंट यह व्यापार के सकल लाभ या सकल हानि को प्रदर्शित करता है, जबकि लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्यापार के शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को प्रदर्शित करता है। दूसरा, व्यापार खाते के शेष को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किया जाता है, जबकि लाभ हानि खाते के शेष को स्थिति विवरण में हस्तांतरित किया जाता है। तीसरा, व्यापार खाते का संबंध व्यापार के क्रय विक्रय तथा उत्पादन संबंधित प्रत्यक्ष व्ययों से रहता है, जबकि लाभ हानि खाते का संबंध व्यापार के अप्रत्यक्ष एवं सहायक व्ययों से रहता है। चौथा, व्यापार खाते का निर्माण तलपट बनाने के बाद तथा लाभ हानि खाता बनाने के पूर्व किया जाता है, जबकि लाभ हानि खाते का निर्माण व्यापार खाता बनाने के बाद किया जाता है। व्यापार खाते में कुछ वस्तुगत तथा कुछ आय व्यय से संबंधित खातों के शेष को शामिल किया जाता है, जबकि लाभ हानि खाते में केवल आय एवं व्यय से संबंधित खातों के शेष को शामिल किया जाता है। छठवां, व्यापार खाता लाभ हानि खाते का ही एक भाग है, जबकि लाभ हानि खाते को स्थिति विवरण बनाने हेतु प्रमुख खाता माना जाता है। प्रत्यक्ष व्यय तथा अप्रत्यक्ष व्यय में अंतर। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रत्यक्ष व्यय डायरेक्ट एक्सपेंसेस यह व्यय कच्चा माल विक्रय योग्य बनाने से संबंधित होता है, जबकि अप्रत्यक्ष व्यय कार्यालय व्यय एवं वितरण व्यय से संबंधित होता है। दूसरा, प्रत्यक्ष व्यय वस्तु की लागत से संबंधित होता है, जबकि अप्रत्यक्ष व्यय वस्तु के विक्रय से संबंधित होता है। प्रत्यक्ष व्यय अनिवार्य है, जबकि अप्रत्यक्ष व्यय विक्रय आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। चौथा, प्रत्यक्ष व्ययों के माध्यम से सकल लाभ की गणना की जाती है, जबकि अप्रत्यक्ष व्ययों के माध्यम से शुद्ध लाभ की गणना की जाती है। पांचवा, प्रत्यक्ष व्यय के आधार पर वस्तु का लागत मूल्य निश्चित होता है, जबकि अप्रत्यक्ष व्यय के आधार पर वस्तु का विक्रय मूल्य निश्चित होता है। छठवा, साधारणतः प्रत्यक्ष व्यय में सभी कारखाना व्यय शामिल किए जाते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष व्यय में सभी कार्यालयीन व्यय शामिल किए जाते हैं। सकल लाभ एवं शुद्ध लाभ में अंतर। डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट। सकल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट, पहला, यह व्यापार खाते का शेष होता है, जबकि शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट लाभ हानि खाते का शेष होता है। दूसरा, सकल लाभ के शेष को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किया जाता है, जबकि शुद्ध लाभ के शेष को स्थिति विवरण या चिट्ठे में हस्तांतरित किया जाता है। तीसरा, सकल लाभ व्यापार के क्रय विक्रय के आधार पर निर्धारित होता है, जबकि शुद्ध लाभ व्यापार के सकल लाभ एवं विक्रय संबंधित व्ययों के आधार पर निर्धारित होता है। चौथा, सकल लाभ के आधार पर विक्रय मूल्य का निर्धारण किया जा सकता है, जबकि विक्रय मूल्य के निर्धारण में शुद्ध लाभ का कोई योगदान। क्वार्टर के अनुसार चिट्ठा एक ऐसा विवरण पत्र है
जो व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता बनाने के पश्चात किसी व्यापारिक संस्थान के बहियों से उसके डेबिट तथा क्रेडिट शेष को बतलाते हुए बनाया जाता है। ये शेष किसी तिथि को वास्तविक या अवास्तविक संपत्तियों तथा दायित्वों के और या पूंजी खाते कोष या लाभ के शेष हो सकते हैं। दूसरा, बार्टली बॉय के अनुसार चिट्ठा को विवरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी निश्चित तिथि को एक व्यापार की सही वित्तीय स्थिति को मापने के उद्देश्य से बनाया जाता है। तलपट एवं चिट्ठे में अंतर। बाकी यानी बैलेंस के आधार पर तलपट में खाता बही में खुले समस्त खातों की बाकियां लिखी जाती हैं, जबकि चिट्ठे में खाता बही के केवल व्यक्तिगत एवं वास्तविक खातों की बाकियां लिखी जाती हैं। दूसरा, बनाने का क्रम, ऑर्डर ऑफ प्रिपरेशन। तलपट व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता बनाने से पूर्व बनाया जाता है, जबकि चिट्ठा लाभ हानि खाता बनाने के बाद बनाया जाता है। तीसरा, प्रारूप के आधार पर। तलपट में तीन खाने होते हैं, प्रथम विवरण का, दूसरा ऋणी बाकियों का तथा तीसरा धनी बाकियों का, जबकि चिट्ठे में डेबिट एवं क्रेडिट बाकियों के स्थान पर दायित्व एवं संपत्ति पक्ष होते हैं जो क्रमशः बाईं और दाईं ओर होते हैं। चौथा, उद्देश्य के आधार पर। तलपट को लेखांकन की अंक गणितीय शुद्धता ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है, जबकि चिट्ठा व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। पांचवा, बनाने का समय, पीरियड ऑफ प्रिपरेशन के आधार पर। तलपट लेखांकन वर्ष में किसी भी समय बनाया जा सकता है, जबकि चिट्ठा लेखांकन वर्ष के तिमाही, छमाही या वार्षिक में बनाया जाता है। छठवा, अंतिम खातों का भाग, पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट। तलपट अंतिम खाते का भाग नहीं है, जबकि चिट्ठा अंतिम खाते का भाग है। सातवा, न्यायालय में प्रमाण के आधार पर। तलपट लेखा कर्म के संबंध में न्यायालय में प्रमाण नहीं माना जाता है, जबकि चिट्ठा न्यायालय में प्रमाण माना जाता है। आठवा, तलपट चिट्ठे के आधार पर नहीं बनाया जाता, जबकि चिट्ठा तलपट के आधार पर बनाया जाता है। नौवा, समायोजन के आधार पर। तलपट बनाने के बाद ही समायोजन किया जाता है, जबकि चिट्ठा बनाने के बाद समायोजन संभव नहीं है। दसवा, लिखने के क्रम के आधार पर। तलपट इसमें खातों के शेष लिखने का कोई क्रम नहीं होता, जबकि चिट्ठा में लिखने का निश्चित क्रम होता है। व्यापार एवं लाभ हानि खाते तथा चिट्ठे में अंतर। स्वरूप के आधार पर। व्यापार एवं लाभ हानि खाता एक खाते की तरह होता है, जबकि चिट्ठा स्थिति विवरण की तरह होता है। उद्देश्य के आधार पर। व्यापार एवं लाभ हानि ज्ञात करने के उद्देश्य से बनाया जाता है, जबकि चिट्ठा व्यापार की वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। तीसरा, विषय सामग्री के आधार पर। व्यापार एवं लाभ हानि खाते में कुछ वस्तुगत खाते तथा सभी आय व्यय खाते सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि चिट्ठे में सभी व्यक्तिगत खाते तथा कुछ वस्तुगत खातों को ही सम्मिलित किया जाता है। चौथा, समाकलन एवं विकलन के आधार पर। व्यापार एवं लाभ हानि खाते में बाईं ओर विकलन और दाईं ओर समाकलन पक्ष होता है, जबकि चिट्ठे में बाईं ओर विकलन के स्थान पर दायित्व यानी लायबिलिटी और दाईं ओर समाकलन के स्थान पर संपत्ति यानी कि एसेट्स होता है। पांचवा, आधार। व्यापार एवं लाभ हानि खाता तलपट के आधार पर बनाया जाता है, जबकि चिट्ठे में तलपट व व्यापार तथा लाभ हानि खाते के आधार पर बनाया जाता है। छठवा, मदों के प्रकृति के आधार पर। व्यापार एवं लाभ हानि खाते में लिखी मदें आयगत प्रकृति की होती हैं, जबकि चिट्ठे में लिखी गई मदें पूंजीगत प्रकृति की होती हैं। सातवा, पारस्परिक आधारिता के आधार पर।
व्यापार एवं लाभ हानि खाता चिट्ठे पर आधारित नहीं होता, अर्थात इसे बनाने के लिए चिट्ठा बनाना आवश्यक नहीं है, जबकि चिट्ठा व्यापार एवं लाभ हानि खाता पर आधारित होता है, इसे बनाने के लिए लाभ हानि खाता बनाना आवश्यक है। आठवां, अवधि के आधार पर व्यापार एवं लाभ हानि खाता प्रायः एक व्यापारिक अवधि के लिए बनाया जाता है, जबकि चिट्ठा एक निश्चित तिथि या वर्ष के अंत में बनाया जाता है। तरलता के क्रम के आधार पर स्थिति विवरण का प्रारूप, दायित्व में हम लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी, बैंक अधिविकर्ष, बैंक ऋण, बैंक लोन, देय विपत्र, बिल्स पेबल, विविध लेनदार सन्ड्री क्रेडिटर्स, माल के लिए फॉर गुड्स, ऋण के लिए फॉर लोन्स, व्यय के लिए फॉर एक्सपेंसेस, अदत्त व्यय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अग्रिम प्राप्य आय इनकम रिसीव इन एडवांस, कोष रिजर्व, पूंजी कैपिटल, इसमें हमको प्लस करना है अगर शुद्ध लाभ होता है तो एड नेट प्रॉफिट, या शुद्ध हानि होती है तो हमको उसको पूंजी में से माइनस कर देना है लेस नेट लॉस, और हमको इसमें माइनस कर देना है आहरण यानी कि ड्रॉइंग। संपत्ति साइड में हम लिखेंगे हस्तस्थ रोकड़ कैश इन हैंड, बैंक में रोकड़ कैश एट बैंक, निक्षेप बैंक डिपॉजिट्स, विनियोग इन्वेस्टमेंट, प्राप्य विपत्र बिल्स रिसीवेबल, विविध ऋणी सन्ड्री डेटर्स, अंतिम स्कंद क्लोजिंग स्टॉक, उपस्कर फर्नीचर, मशीनरी एवं संयंत्र मशीनरी एंड प्लांट, मुक्त संपत्ति या स्वकीय संपत्ति फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ख्याति गुडविल, एकस्व पेटेंट, पूर्वदत्त व्यय प्रीपेड एक्सपेंसेस, उपार्जित आय एक्रूड इनकम। स्थायित्व के आधार पर स्थिति विवरण का निर्माण हम इस प्रारूप के अंतर्गत करेंगे। दायित्व साइड में हम लिखेंगे सबसे पहले कैपिटल पूंजी, इसमें हम जोड़ेंगे अगर शुद्ध लाभ है तो एड नेट प्रॉफिट या शुद्ध लाभ, और अगर शुद्ध हानि है तो हम इसमें से घटा देंगे लेस नेट लॉस, और इसमें हम घटा देंगे आहरण अगर है तो लेस ड्रॉइंग। नेक्स्ट पॉइंट आएगा संचय कोष यानी रिजर्व, अग्रिम प्राप्त आय इनकम रिसीव इन एडवांस, अदत्त व्यय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, विविध लेनदार सन्ड्री क्रेडिटर्स, माल के लिए फॉर गुड्स, ऋण के लिए फॉर लोन, व्यय के लिए फॉर एक्सपेंसेस, देय विपत्र बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट। संपत्ति साइड में हम लिखेंगे उपार्जित आय एक्रूड इनकम, पूर्वदत्त व्यय प्रीपेड एक्सपेंसेस, पेटेंट या एकस्व पेटेंट, स्वकीय या मुक्त संपत्ति फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, भूमि व भवन लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर स्टोर्स, अंतिम स्कंद क्लोजिंग स्टॉक, विविध देनदार सन्ड्री डेटर्स, इसमें हमको लेस करना है रिजर्व फॉर बैड डेट्स। नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसमें प्राप्य विपत्र बिल्स रिसीवेबल, विनियोग इन्वेस्टमेंट, बैंक में जमा बैंक डिपॉजिट, बैंक में रोकड़ कैश एट बैंक, हस्तस्थ रोकड़ कैश इन हैंड।